गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। छठगन जिंदगी में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहें, हमेशा शुभ और सुमंगल विचार को आत्मसात करें और जिंदगी को मधुर बनाएं। तभी आपको हर काम में आनंद की अनुभूति होगी, हर काम में आपको लगेगा कि हाँ, एक नए जोश, जज्बे और जुनून के साथ आप कार्य कर रहे हैं। यही काम अध्ययन पर भी लागू होता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी इसी नियम को अपनाना चाहिए, जिससे सफलता सुनिश्चित की जा सके। छठगन, आज हम लोग नए विचार जो कि विगत दो कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हम लोगों ने जो है के बारे में अध्ययन जो है पूर्ण किया था, बौद्ध धर्म की शुरुआत हम लोगों ने की थी और उसी के तहत हम लोगों ने जाना था विगत कक्षाओं में अष्टांगिक मार्ग के बारे में कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया है, है ना छठगन? कौन सा मार्ग बतलाया है? अष्टांगिक। मार्ग लिखेंगे छठगन, भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बतलाया है। अष्टांगिक मार्ग बतलाया है। इस अष्टांगिक मार्ग के तहत निम्न शामिल हैं। नंबर एक, सम्यक दृष्टि। नंबर दो, सम्यक संकल्प। नंबर तीन, सम्यक वाणी। नेक्स्ट, सम्यक कर्म। नेक्स्ट, सम्यक व्यायाम। नेक्स्ट, सम्यक स्मृति। एंड लास्ट लेकिन छात्रन, सम्यक समाधि। छठगन पूछेगा अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो आपको लगाना होगा बौद्ध धर्म से है। भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाए हैं, कौन सा मार्ग इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन में रहेगा सम्यक वाणी, दूसरा देगा सम्यक व्यायाम, है ना छठगन? पहला देगा सम्यक वाणी, दूसरा देगा सम्यक व्यायाम, तीसरा देगा सम्यक स्मृति और चौथा देगा छठगन सम्यक शिक्षा, है ना? तो क्या आप लगाइएगा, सम्यक शिक्षा शामिल नहीं है। तो छठगन, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आप नहीं जानोगे कि अष्टांगिक मार्ग में आठ मार्ग कौन कौन से आते हैं, तब तक क्या आपसे प्रश्न बन पाएंगे? छठगन नहीं, तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, आपसे प्रश्न नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको इसको छठगन ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीज़ों को गौर करना होगा, एक एक चीज़ों को याद रखना होगा, एक एक चीज़ों को मनन करना होगा। छठगन दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी कि अष्टांगिक मार्ग के तहत जो आठ मार्ग भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाए हैं,
वो आठों मार्ग अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं, वो आठों मार्ग अपने आप में ज़बरदस्त हैं, वो आठों मार्ग अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर पकड़ बना के रखनी होगी और इन अष्टांगिक मार्ग को बिल्कुल याद कर लेना होगा, ताकि जेटेट सीटेट के अलावा भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जब आप अपने आप को संलग्न करें तो वहाँ पर भी ये आपके लिए कारगर साबित हो। छठगण, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बेकार नहीं जाती है, वो हमेशा आपके लिए कारगर साबित होती है, वो हमेशा आपको पे करती है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा मनन कीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। छठगण गौर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आइए, बौद्ध धर्म, धर्म के त्रिरत्न बतलाए गए हैं, त्रिरत्न बतलाए गए हैं, त्रिरत्न, तीन रत्न, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न थे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न बतलाए गए हैं। लिखिएगा छठगण, नंबर एक बुद्ध, बुद्ध, नंबर दो धम्म, नंबर तीन संघ। बुद्ध नंबर एक, धम्म नंबर दो, संघ नंबर तीन। बुद्ध धम्म संघ, है ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बतलाए गए हैं छठगण, बुद्ध धम्म और संघ। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, है ना। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन में देगा बुद्ध, दूसरा ऑप्शन में देगा धम्म, तीसरा ऑप्शन में देगा आचरण, चौथा ऑप्शन में देगा संघ। तो आचरण बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में नहीं आता है, जैन धर्म के त्रिरत्न में आता है। तो छठगण, बुद्ध धम्म और संघ ये जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं आते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तीन रत्न क्या है छठगण, पहले भी आप जान चुके हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण, है ना। और बौद्ध धर्म के हैं बुद्ध धम्म और संघ, है ना। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी बौद्ध मठ या बौद्ध टेम्पल में आप जाइएगा तो वहां एक म्यूजिक बजते रहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। तो यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है छठगण, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। नेक्स्ट लिखेगा, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट लिखिए, बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली है, बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली, पाली है, पाली है, है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में, धर्म में निम्न तीन ग्रंथों को, निम्न तीन तीन ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है, निम्न तीन ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है, कहा गया है। लिखेंगे छठगण, नंबर एक सुत पिटक, सुत पिटक, पिटक डैश देकर लिखेंगे छठगण, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है,
भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। नंबर दो, विनय पिटक। विनय पिटक दस देख लेंगे। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। बौद्ध संघ, साधु संत कैसे रहेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। नंबर तीन, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, पिटक लिखेगा। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक विचारधारा का वर्णन है। अभिडिंग बनेगा छतगन। बौद्ध धर्म के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, ग्रंथ लिखे के छतगन। जातक कथाएं, जातक कथाएं लिखे। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 500 से भी ज्यादा कथाओं का वर्णन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 500 से भी ज्यादा कथाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हों लिखे। इसमें यूनानी शासक मिलिंद या मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट ग्रंथ का नाम लिखेंगे छतगन, अंगुत्तर निकाय। ये पहले भी आप सुन चुके हैं, अंगुत्तर निकाय लिखे के छतगन। दस्ते के इसमें सोलह महाजनपदों का वर्णन मिलता है। सोलह महाजनपदों
का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश, महावंश लिखे। श्रीलंका अर्थात सिंहल प्रदेश, श्रीलंका को सिंहल प्रदेश भी कहते हैं छात्रगण, सिंहल प्रदेश, सिलोन भी कहा जाता है श्रीलंका को, श्रीलंका अर्थात सिंहल प्रदेश प्रदेश में लिखे गए इन दोनों ग्रंथों से यह पता चलता है कि मौर्य शासक अशोक ने किस प्रकार मौर्य शासक अशोक ने किस प्रकार अपने 99 भाइयों का कत्ल कर 99 भाइयों का कत्ल कर राजगद्दी की प्राप्ति की थी 99 भाइयों का कत्ल कर राजगद्दी की प्राप्ति की थी की थी। तो यह है छात्रगण बौद्ध ग्रंथ और उनसे जुड़े हुए प्रमुख विषय जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछे जाएंगे। छात्रगण पहला सवाल पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? नंबर 1 पाली, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो छात्रगण आपको लगाना होगा पाली। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं जो कि नेपाल की एक प्रमुख भाषा की गिनती में आती है। छात्रगण पाली भाषा ध्यान रखिएगा। छात्रगण दूसरा सवाल पूछेगा, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन में देगा जैन धर्म, दूसरा देगा वैष्णव धर्म, तीसरा देगा शैव धर्म, चौथा देगा बौद्ध धर्म। छात्रगण क्या लगाइएगा आप, सिटेट रिटर्न में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। पूछेगा त्रिपिटक में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? ऑप्शन देगा सुत पिटक, दूसरा ऑप्शन देगा विनय पिटक, तीसरा ऑप्शन देगा अभिधम पिटक, चौथा ऑप्शन देगा जातक कथाएं। तो जातक कथाएं को त्रिपिटक में शामिल नहीं किया गया है। त्रिपिटक में छात्रगण यही तीनों ग्रंथ शामिल हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये क्या कहलाते हैं छात्रगण? त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है छात्रगण? बौद्ध धर्म से है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, सुत पिटक का विषय क्या है, है ना? तो इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक का क्या है? तो संघ में रहने वाले जितने भी साधु होते थे वो किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, किन नियमों को फॉलो करेंगे, वो दिया गया है विनय पिटक में छात्रगण। और अभिधम पिटक में कहा गया है बौद्ध धर्म की दार्शनिक विचारधारा के बारे में कहा गया है। तो छात्रगण आपको ये तीनों चीजों को याद रखना होगा, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों से सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तीनों अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आपको छात्रगण इसे ध्यान रखना होगा, इसे मनन करना होगा, इसे याद रखना होगा। छात्रगण दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा और मनन करना होगा, पूछेगा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के
पूर्व जन्म की 500 से भी ज्यादा कथाओं का वर्णन मिलता है। तो छात्रगण, वह ग्रंथ है जातक कथाएं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जातक कथाओं में मिलता है। छात्रगण, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाओं का वर्णन मिलता है, है ना, जातक कथाओं में। गौर कीजिएगा, पूछेगा यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन, बातचीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो छात्रगण, मिलिंद पन्हों ग्रंथ में मिलता है। मिलिंद पन्हों किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक कथाएं किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये छात्रगण आपको याद रखना होगा। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच, जो कि यूनानी शासक था जिसे मिलिंद भी कहा जाता था, इन दोनों के बीच जो वार्ता हुई थी छात्रगण मिलिंद पन्हों नामक ग्रंथ में, यह किस ग्रंथ में वर्णित है? मिलिंद पन्हों में वर्णित है। क्या विषय है इसका? बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद या मिनांडर के बीच बातचीत हुई थी छात्रगण, उसी का वर्णन है। यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बेहद ही बेजोड़ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर छात्रगण आपसे पूछेगा, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? छदगन, अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का छदगन वर्णन मिलता है। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी छदगन याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा। यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। तो छात्रगण, बौद्ध ग्रंथों की सूची में आपसे एक और सवाल पूछे जाएंगे। पूछेगा दीप वंश और महावंश का संबंध किस धर्म के ग्रंथ से है? तो आपको लगाना होगा बौद्ध धर्म के ग्रंथ से है। छात्रगण, दीप वंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ कहाँ लिखे गए थे? तो श्रीलंका में, सिलोन में, सिहल प्रदेश में लिखे गए थे। छात्रगण, श्रीलंका में लिखे गए इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि किस प्रकार से मौर्य सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर राजगद्दी की प्राप्ति की थी। छदगन, अपने 99 भाइयों का कत्ल कर राजगद्दी की प्राप्ति करने वाला मौर्य शासक कौन था? तो उस मौर्य शासक का नाम था अशोक, है ना। तो ये भी छदगन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन सब चीजों को छदगन याद रखना होगा। इन टोटल ग्रंथों के नाम विथ विशेषताएं, इनके मेन फीचर्स क्या हैं, इसे भी ध्यान रखना होगा। तो सूत पिटक याद रहेगा ना छदगन आपको, है ना, बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म की दार्शनिक विचारधारा का वर्णन है। मिलिंद पन्हों यूनानी शासक मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन है, है ना। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 500 से भी ज्यादा कथाओं का वर्णन है जातक कथाओं में। तो छात्रगण, जब तक आप इन सब चीजों को याद नहीं रखेंगे, तब तक प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। आपको ध्यान देना होगा, आपको मनन करना होगा, आपको स्मरण करना होगा, आपको एक एक चीजों को याद रखना होगा, आपको एक एक चीजों को गौर करना होगा, आपको एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह देखिए। नंबर एक हेडिंग बन गया छत्रगण लाल या हरा कलम से, भगवान बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह, है ना। ये हेडिंग बना लीजिए आप अपने नोट्स कॉपी में, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह कक्षाओं का आनंद लें, और आपको कहीं से भी आभास ना हो कि आप ऑनलाइन कक्षाएं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि आप कक्षाओं में बैठ करके ही क्लासेस कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी
एक अलग हट करके प्रयास किया है छात्रगण कि आपको क्लास में ही हर बात को लिखाएं और हर बात को समझाएं भी जमकर, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो हेडिंग बन गई छात्रगण आपकी, हाँ वेरी गुड। लिखिए नंबर एक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह डायरेक्टर के लिखेंगे छतगन, कमल एवं सांड, कमल एवं सांड, एवं सांड। नेक्स्ट, बुद्ध के नंबर दो लिखेंगे छतगन, नंबर वन कंप्लीट हो गया आपका, नंबर दो की ओर आएंगे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। गृह त्याग, घर को जो बुद्ध ने त्यागा था छतगन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह था छतगन घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह लिखेंगे छतगन घोड़ा, फिर इसी में लिखेंगे, कंटिन्यू जाएगी लाइन आपकी, इस घटना को बौद्ध धर्म में, इस घटना को बौद्ध धर्म में, धर्म में महा भिनिष्क्रमण, महा भिनिष्क्रमण, इनवर्टेड कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छतगन, महा भिनिष्क्रमण क्रमण कहा जाता है, महा भिनिष्क्रमण कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, प्राप्ति लिखिए, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है। पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है, है पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है, है। इस घटना को, इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि, इनवर्टेड कॉमा अंडरलाइन रखेंगे छतगन लाल कलम, इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है, संबोधि कहा गया है। हाँ, संबोधि के बाद छतगन नेक्स्ट घटना की ओर आएंगे, लिखेंगे अगला घटना, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश लिखिए, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह, चिन्ह चक्र है, चक्र है, तथा बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को, बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को
धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, प्रवर्तन कहा गया है, है। नेक्स्ट, मोक्ष या निर्वाण, मोक्ष या निर्वाण लिखिएगा। डेज देखे भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को, भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को मोक्ष या निर्वाण, मोक्ष या निर्वाण कहा गया है, निर्वाण कहा गया है, गया है। इस घटना का प्रतीक चिन्ह, पदचिन्ह एवं स्तूप है। इस घटना का प्रतीक चिन्ह पदचिन्ह एवं स्तूप है, एवं स्तूप है, है। चरगन ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए इन घटनाओं के नाम और उनके संबंधित जो उन घटनाओं को नामकरण दिया गया है, प्रतीक चिन्ह उनके क्या क्या हैं, इससे भी हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं छात्रगण। इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीज़ों को छात्रगण अध्ययन करना होगा, एक एक चीज़ों को याद रखना होगा, एक एक चीज़ों को गौर करना होगा। छात्रगण क्या सवाल पूछे जाएंगे गौर कीजिएगा। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल एवं सांड है। कमल का फूल छतगन और सांड इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था छतगन अमावस्या की काली रात को 29 वर्ष की अवस्था में, इस महान पुरोधा ने जब सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया, निकल कर पड़े थे छतगन, इस घटना का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, घोड़ा है। क्योंकि घोड़े से निकल गए थे ये, है ना, इसलिए इस घटना का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, ध्यान रखिएगा। छतगन महात्मा बुद्ध ने जब कठोर तपस्या की 6 वर्ष तक और बिहार के बोधगया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति की, तो यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और बोधि वृक्ष का नाम जो है, पीपल वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा गया। और ये घटना अपने आप में बौद्ध धर्म में संबोधि कहलाती है। पूछेगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो जिस घटना में हुई थी, उस घटना को क्या नाम दिया गया है, संबोधि। यह घटना कहाँ घटित हुई थी, बोधगया में। किस नदी के तट पर, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। किस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, है ना। इस घटना को क्या कहते हैं, संबोधि। पीपल वृक्ष को अब किस नाम से जाना जाता है, बोधि वृक्ष। चूंकि बुद्ध ने तपस्या की थी इसके नीचे, इसलिए इस वृक्ष को क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। छतगण इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी मनन करना होगा, इसको भी अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं से भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको छतगण नहीं करना पड़े, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगण दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। छतगण पाली भाषा में उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान में भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था।
छतगन, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं छतगन? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इस घटना का प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था छतगन, चक्र, है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन भगवान बुद्ध के मृत्यु, जिसे मोक्ष या निर्वाण भी कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह और स्तूप, है ना। तो छतगन आपको जब तक इन घटनाओं के नाम नहीं याद रहेंगे, जब तक आपको इन घटनाओं को याद नहीं रहेगा, जिसकी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है, मोक्ष की घटना है, निर्वाण की घटना है, उसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप लिख लें। हाँ, बुद्ध के मृत्यु की घटना को, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। छतगन, बुद्ध से जुड़े हुए इन सभी घटनाओं को आप याद रखें, मनन करें, एक एक चीजों का अध्ययन करें। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। छतगन, अब हेडिंग बनाइएगा बौद्ध धर्म की प्रमुख बैठक, बौद्ध धर्म की प्रमुख बैठक लिखिए। प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, बैठक लिखिए, चार्ट बना लेंगे छतगन इस तरीके से, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, शासक, इस तरीके से छतगन चार्ट बना लें। प्रथम बैठक बना लेंगे छतगन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, शासक। वर्ष के स्थान पर लिखेंगे छतगन 483 BC ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व बीसी, 483 BC, 483 ईसा पूर्व, पूर्व लिखेंगे छतगन, 483 ईसा पूर्व लिखिए। स्थान में आ जाएंगे छतगन, राजगृह, राजगृह ब्रैकेट में कर देंगे, सप्तपदनी गुफा, सप्तपदनी गुफा, गुफा नेक्स्ट लिखेंगे छतगन, अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष का नाम लिखेंगे छतगन, महाकश्यप, कश्यप, महाकश्यप नेक्स्ट लिखेंगे छतगन, शासक का नाम, शासक का नाम, जो समर्थक शासक थे उस समय छतगन, अजात शत्रु, अजात शत्रु, हाँ
पुनः इसी तरह का चार्ट बनाएंगे छतगन। अगला फिर लिखेंगे वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, समर्थक शासक या शासक। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, शासक। हाँ, ऊपर अब हेडिंग बन जाएगी छतगन, दूसरी बैठक, द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक लिखेंगे छतगन। दूसरी बैठक में वर्ष लिखेंगे 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। स्थान लिखेंगे छतगन वैशाली, बिहार में भगवान महावीर का जन्म स्थान वाला जिला वैशाली के कौन ग्राम याद होगा आपको, वैशाली बिहार में है। अध्यक्ष लिखेंगे छतगन साबक मीर, साबक मीर, मीर, मीर। शासक लिखेंगे छतगन कालाशोक, काला शोक है ना। अब हेडिंग बनेगा छतगन तीसरी बैठक, पुनः इसी तरह का चार्ट बनेगा छतगन आपका तीसरी बैठक में भी। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, शासक, छतगन तीसरी बैठक। वर्ष लिखेंगे छतगन 251 बीसी, बीसी। स्थान लिखेंगे छतगन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष लिखेंगे छतगन मोगलिपुत्र तिस्सा, तिस्सा, मोगलिपुत्र तिस्सा। शासक का नाम लिखेंगे छतगन अशोक, अशोक। हाँ, कंप्लीट हो गया छतगन ये भी। अब आ जाइए चौथी और अंतिम बैठक, हेडिंग बनेगा ऊपर में चतुर्थ बैठक, चतुर्थ बैठक, बैठक। वर्ष लिखेंगे छतगन एक ईस्वी सन, 1 AD, एक ईस्वी सन। स्थान लिखेंगे छतगन कश्मीर कुंडल वन, कुंडल वन, कुंडल वन कश्मीर में है छतगन। अध्यक्ष लिखेगा वसुमित्र, यहां एक और बना लेंगे छतगन उपाध्यक्ष अश्वघोष, अश्वघोष। उपाध्यक्ष का क्या नाम लिखेंगे छतगन अश्वघोष, घोष। शासक का नाम लिखेंगे छतगन कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क। विशेषता का नाम लिखेंगे छतगन इसमें, इसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दो भागों, दो भागों हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म दो भागों, यहां विशेषता डालना है छतगन चौथी बैठक का, बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, हो गया, गया। तो यह छतगन बौद्ध धर्म के बैठक और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू
आगामी कक्षाओं में हम लोग छात्रगण जानेंगे कि बौद्ध धर्म के बैठकों की क्या क्या विशेषताएं थी, किन किन शासकों ने जो है बौद्ध धर्म की बैठकों में भाग लिया था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है किन किन के संरक्षण में बौद्ध धर्म की बैठकें हुई। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की जो विचारधाराएं हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये क्या हैं, इनकी क्या खासियतें हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग छात्र जानेंगे अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।